हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल इंट्री विद इंटरटेनमेंट में। तो आज हम साउथ सिनेमा की तरफ से आने वाली 10 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, जो कि पैन इंडिया रिलीज हो रही है। यस, तो प्लीज़ इस लिस्ट की एक भी फिल्मों को मिस बिल्कुल मत करना। तो चलिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। यस, तो नंबर वन पर है पुष्पा 2। जी हाँ, पुष्पा 2 द रूल। कल्कि के बाद ये फिल्म इस साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है, जो कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखती है। फिल्म की हाइप बहुत ही शानदार बनी हुई है। फिल्म को लगभग 500 करोड़ के बड़े बजट पर तैयार किया गया है। ये फिल्म 2021 में आई पुष्पा 2 द राइज का सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी। फिल्म का थर्ड इंस्टॉलमेंट भी बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा अल्लू अर्जुन खुद ही कंफर्म कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ फहद फासल और रश्मिका मंदाना लीड रोल्स में नजर आएंगी। सुकुमार इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। वहीं ये फिल्म पहले 15 अगस्त के मौके पर रिलीज़ होने वाली थी, बट ये फिल्म अब 6 दिसंबर को रिलीज़ होगी थिएटर्स में। तो क्या ये फिल्म कल्कि के रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएगी? आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। तो चलिए अब हम चलते हैं फिल्म नंबर 2 पर। तो फिल्म नंबर 2 है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। यस, ये फिल्म विजय की मच अवेटेड साइंस फिक्शन एक्शन मूवी होगी, जिस फिल्म को वेंकट प्रभु डायरेक्ट किए हैं। फिल्म में विजय डबल रोल प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म में फादर और सन के दो अलग अलग रोल्स को प्ले किए हैं। द जीओटी फिल्म इस साल की तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी, सबसे मच अवेटेड फिल्म है, जो कि हमको 5 सितंबर 2024 को देखने को मिलेगी तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा के अंदर। सो अब हम लोग चलते हैं फिल्म नंबर 3। फिल्म नंबर 3 पर है देवरा पार्ट 1। ये फिल्म एक पिक बजट एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को कोराटाला शिवा डायरेक्ट किए हैं, जो कि एनटीआर के साथ ऑलरेडी जनता गैराज जैसे हिट मूवी कर चुके हैं। फिल्म में जूनियर एनटीआर के अगेंस्ट सैफ अली खान मेन विलन के रोल में, वहीं जानवी कपूर फिल्म की फीमेल लीड होंगी। रॉक स्टार अनिरुद्ध फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। देवरा पार्ट 1 को काफ़ी बड़े लेवल पर शूट किया गया है। फिल्म के अंदर हमको कुछ तगड़े अंडरवाटर एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकता है। यस दोस्तों, देवरा पार्ट 1 का बजट मैक्सिमम 300 करोड़ है। जी हाँ, और ये फिल्म 27 सितंबर के मौके पर आने वाली है। तो चलिए अब आप सबको लेकर चलते हैं फिल्म नंबर 4 पर। फिल्म नंबर 4 है मैक्स। मैक्स एक आउट एंड आउट एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिसमें बादशाह किचक सुदीप लीड रोल में होंगे। इस फिल्म में ये एक टोटली पावरफुल पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में सुनील और वारा लक्ष्मी शरद कुमार भी मुख्य भूमिका में हैं। लोकेश कनकराज की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर कैथी की तरह इस फिल्म में भी वन नाइट स्टोरी, एक रात की कहानी हो सकती है। 2022 की फिल्म विक्रांत रोना के बाद सुदीप की ये वाली फिल्म आ रही है। डिप्यूटर डायरेक्टर विजय कार्तिक कन्नन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल पैन इंडिया में रिलीज होगी। एंड अब जो मूवी आने वाली है वो है नंबर 5। जी हाँ, नंबर 5 पर है कंगुआ। कंगुआ साउथ सिनेमा की इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। ये फिल्म एक बिग बजट फैंटसी एक्शन फिल्म है, जिसको 300 से लेकर 350 करोड़ की भारी बजट पर बनाया गया है। OMG, जिसमें सूर्या अलग अलग अवतार में दिखाई देंगे। दिशा पाटनी फिल्म की फीमेल लीड के रूप में नजर आएंगी, वहीं बॉबी डियोल डेडली विलेन के रोल प्ले कर रहे हैं।
सूर्या की ये बड़ी पैन इंडिया फिल्म 10 अक्टूबर के मौके पर आने वाली है। वैसे फर्स्ट पार्ट के रिलीज से पहले ही फिल्म का सीक्वल भी कंफर्म हो चुका है, जो कि 2027 में रिलीज होगी। दोस्तों अब चलते हैं फिल्म नंबर 6 पर। फिल्म नंबर 6 है गेम चेंजर। ये फिल्म एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिस फिल्म को चॉप डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट किए हैं, जिनकी लास्ट लॉन्ग फिल्म इंडियन 2 को ऑडियंस ब्रूटली तरीके से ट्रॉल किए हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि कार्तिक शुभराज ने फिल्म की कहानी लिखी है, जो कि सुपर टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर है। एंड ट्रिपल आर जैसी ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया फिल्म के बाद ये रामचरण की अगली फिल्म है। फिल्म से ऑडियंस को हाई एक्सपेक्टेशन है। दोस्तों फिल्म में रामचरण, कियारा एडवाणी, अंजलि, एस जे सूर्या जैसे बड़े सितारे लीड रोल्स में नजर आएंगे। रामचरण फिल्म में ट्रिपल रोल प्ले कर रहे हैं। ये मेगा बजट पैन इंडिया फिल्म इस साल दिसंबर तक थिएटर्स में रिलीज हो सकती है। नंबर 7 पर है यू आई। फिल्म डायरेक्टर उपेंद्र की मच अवेटेड फिल्म है, जिस फिल्म के लीड एक्टर भी यही होने वाले हैं। फिल्म को 100 करोड़ के बजट पर तैयार किया गया है। यह फिल्म इनकी 11वीं फिल्म है। एच ए डायरेक्टर यूआई में हमको विजुअली एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को लेकर ऑडियंस में एक हाई होप है, क्योंकि ये डायरेक्टर ओपी के डायरेक्शन में बनी है। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है, पर यह फिल्म 2024 में भी रिलीज होने वाली है। तो अब हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। जी हाँ, नंबर 8 पर है विक्टर। ये फिल्म एक मल्टी स्टार एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म की स्टार कास्ट सच में काफ़ी सॉलिड है। फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन, पार्थ फसल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, रितिका सिंह, दूसरा वीएन नजर आएंगे। फिल्म को जय भीम जैसे प्योर मास्टरपीस फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर टीजे नानवाल ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 10 अक्टूबर के मौके पर आने वाली है पैन इंडिया स्केल पर। नंबर 9 पर है लकी भास्कर। ये दुलकर सलमान एंड मीनाक्षी चौधरी स्टार एक पैन इंडिया फिल्म है, जिस फिल्म को वाती जैसे सुपर हिट फिल्म के डायरेक्टर वेंकी एटलुरिंग ने डायरेक्शन दिया है। इस फिल्म की कहानी एक बैंक कर्मचारी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएंगी। ये फिल्म द जीओटी के ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर के मौके पर देखने को मिलेगी। तो खाता कब खोले? तो अब आ गया है लास्ट नंबर 10 पर। जो फिल्म है वो है मार्टिन। मार्टिन केफाई कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म है, जिस फिल्म के टीजर को ऑडियंस से ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। भाई ये फिल्म एक प्रॉपर मास एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी, जिस फिल्म को एपी अर्जुन डायरेक्ट किए हैं। ध्रुवा सर्जा फिल्म के मेन रोल में है, जो कि फिल्म के अंदर फुल ऑन एक्शन मोड में देखने को मिलेंगे। यह फिल्म 11 अक्टूबर के मौके पर आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मज़ेदार रिव्यू के साथ। आपको मेरा रिव्यू कितना अच्छा लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। कुछ नहीं कर पाएगी।